अभी तक जितना काम हो चुका है वो एक बहुत उत्साहजनक लगता है, क्योंकि पहले अगर देखें बाहर से देखें तो ऐसे लगता है ये तो बहुत बड़ी बात है कि ह्यूमन सोसाइटी हो जाएगी और ऐसा ऐसा, क्यों नहीं लगता है। जब हम पहली बार यहाँ पे आए थे तो ये बात हो रही थी कि मानवीय शिक्षा संस्कार संस्थान जो है पूरे विश्व में एक मानवीय व्यवस्था के लिए काम कर रहा है, मेरा डिग्री यहाँ पर तो कैसे होगा ये काम, लेकिन बहुत सारा काम हो चुका है। तो जितना काम हो चुका है उसका एक एक तरह से ग्लिम्प्स जो है उसको, ये जो पूरा काम है ये वर्षों से हो रहा है, ये कोई नया काम नहीं है। सबकी चाहना तो ऐसे ही है कि हम सुख को बढ़ती है, समृद्धि को बढ़ती है, मानवीय व्यवस्था हो, ऐसे करके सबका चाहना तो वही है। अब बहुत सारा काम पर्टिकुलरली हम लोग के सब कॉन्टिनेंट में अपने बहुत सारा काम सभी जगह हुआ है। तो ये जो काम है ये इसी के क्रम में हम लोग इसको कर रहे हैं। जो कुछ भी अपने ध्यान में आया है, जो कुछ भी हम लोग के अलग अलग दर्शनों से ग्रहण किया है, उसको जी कर देखा है या देखने की कोशिश कर रहे हैं, ज़्यादातर हम लोग तो कोशिश ही कर रहे हैं इसको देखने की और जीने की, ये उसी का एक एक्सटेंशन है। उसके एक्सटेंशन में जो परंपरा है उसके एक्सटेंशन में इस काम को किया जा रहा है। तो इसका जो फॉर्मुलेशन है शिक्षा के लिए क्या फॉर्मुलेशन है, उस फॉर्मुलेशन को शिक्षा में करीब 2005 से विधिवत किया जा रहा है और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज इसके साथ में जुड़ पाई है। 2017 तक 16 तक करीब 40 यूनिवर्सिटी जुड़ पाई थी, जो कि UHV का जो फाउंडेशन कोर्स है उसको अपने अपने जितने भी कॉलेजेस हैं उसमें करे। आपकी यूनिवर्सिटी में भी ऐसा काम शुरू हुआ है या हो रहा है? उस यूनिवर्सिटी में बहुत सारा हुआ है, कुछ यूनिवर्सिटी में काम हुआ है। तो एक तो ये इम्पोर्टेंट बात है और हम लोग को तो लगता है कि इसकी जिम्मेदारी हम लोग को ही लेनी होगी। तो अगर देखें तो बहुत पहले से इसको विधिवत शिक्षा में करने का काम जो है उसको उसकी कोशिश अलग अलग तरीके से की गई है। तो अपने ध्यान में जो आ रहा है उतने को हमने यहाँ पे रखा है। अपने मार्गदर्शक रहे हैं RR गौरसर, तो उन्होंने IIT दिल्ली में इस कोर्स को पहले से शुरू किया। इस तरह के कोर्स को एक साइंस एंड ह्यूमनिज्म के नाम से कोर्स था तो उसको शुरू किया। उसके बाद में 2001 में MHRD ने एक सेंटर इस्टेब्लिश किया वहाँ पर कि भाई इसको इस काम को बढ़ाया जाए, इसका इसका लोकप्रियकरण हो। उस तरह से 2005 में IIIT हैदराबाद में पहली बार जो है इस कोर्स विधिवत, ये जो UHV का फाउंडेशन कोर्स है इसका शुरुआत वहाँ पर IIIT हैदराबाद में हुआ। उस वक्त फिर किताब लिखी गई और बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया गया बच्चों के साथ पे इंस्टीट्यूट में, तो वो सब हुआ। पर उसमें गति तो UPTU जो अब AKTU के नाम से है, तब उसके करीब 550 कॉलेज हुआ करते थे तो वहाँ पे शुरू हुआ। उन्होंने भी फाउंडेशन कोर्स को किया। पहले तो हम लोग ज़्यादातर फाउंडेशन कोर्स का ही काम कर रहे हैं, अब उसमें AICT के द्वारा वो इंडक्शन प्रोग्राम भी जोड़ दिया गया, जो कि बहुत अच्छी बात है। 2010 में ये किताब जो है वो पब्लिश हुई
जो कि 2005 से शुरू की गई होगी, इसके अंदर बहुत सारा मेहनत की गई है, इसको किया गया है। फिर पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी में 2010-2011 में इसको विधिवत शुरू किया गया वहाँ के सब कॉलेजेस में। वहाँ का एक बाबा बंदा सिंह बहादुर कॉलेज है जिसके अंदर बहुत सारा काम हुआ। वहाँ पे जो मेन यूनिवर्सिटी का कैंपस है उसके अंदर एक सेंटर बनाया गया और उसमें बेसिक कोर्स प्लस एडवांस कोर्स जीने का मॉड्यूल इन सब काम किया गया। बहुत ही अच्छी तरीके से चला हो जितेंद्र बता पाएंगे उसके बारे में और जो प्रेस में। इसी तरह से फिर भूटान में इनको लोगों ने कॉन्फ्रेंसेस शुरू करी थी 2012 में, तो उसी वर्ष से भूटान में उनके वाइस चांसलर आए थे तो उनके देश में फिर ये इन्होंने शुरू किया। उनके 10-11 कॉलेज थे पूरी यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पे इन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से इसको वहाँ पर शुरू किया। क्योंकि उमेश जी आपको बताएंगे उसके बारे में बहुत सारा। उनकी एक स्टडी हुई जिसके अंदर ये सॉर्ट देखा गया कि ये जो बात हो रही है ये हमारी जो DNS की अवधारणा है उसके साथ में बहुत मैच करता है, एकदम मैच करता है। तो वो काम वहाँ पे बहुत अच्छे से किया। उसके बाद हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी, बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी, BKC जी अपने साथ में वो बता पाएंगे कि क्या वहाँ पर क्या गतिविधि हुई, अभी क्या चल रहा है, आगे क्या सोच रहे हैं, वो सब बता पाएंगे। और इंडक्शन प्रोग्राम जो है उसकी भी बहुत सारे एफर्ट्स हुए हैं पहले, बट 2011 में IIT गांधीनगर में 5 हफ्ते का एक ये शुरू किया गया। तो ये उसके बाद NIT थी, उन्होंने भी 3 वीक का किया। उसके बाद 2016 में AICT में इसकी शुरुआत हुई एक तरह से, 2017 में एक्चुअली शुरू हुआ ये। तो इस तरह से ये इंडक्शन प्रोग्राम भी शुरू हुआ। और बहुत सारे जो अपने देश में मार्गदर्शक लोग हुए हैं उन लोगों का उन लोगों ने या तो पूरा शिविर किया या उनके साथ में बहुत सारी गोष्ठियाँ हुई। तो अब्दुल कलाम जी जब प्रेसिडेंट थे उस वक़्त उनके साथ में कई सारी गोष्ठियाँ हुई और उन्होंने इस बात को देश के नाम जो संदेश होता है 15 अगस्त की पहले की रात को 14 अगस्त के नाइट उसमें इस बात को रखा उन्होंने कि इसकी बहुत संभावना दिखाई दी और ये बात को उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से रखा। उसी तरह से जो तिब्बत के सब लोग यहाँ पे हैं भारत में, तिब्बत की जो गवर्नमेंट इन एग्जाइल है उसके प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, उन्होंने पूरा शिविर किया, गणेश जी का पूरा शिविर किया उन्होंने, और वो बिल्कुल डॉट ऑन टाइम आते थे, डॉट ऑन टाइम जाते थे, कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा पूरे शिविर में। अंत में उन्होंने 45 मिनट का एक शेयरिंग रखा अपना, उनसे पूछा कि भैया बताइए आपको क्या लगा, तो फिर वो उन्होंने पूरा अपना वो रखा। उसमें से 5 मेजर पॉइंट्स हैं जो यहाँ पे रखे हुए। तो बहुत सारी समस्याएं हैं और उसके लिए क्या करना है अभी देख ही सकते हैं कि बहुत सारी समस्याएं हैं, सबको वो दिखाई दे नहीं रहा होगा। Neither science nor religion has a solution, ऐसा उन्होंने कहा। Yet there is pervading seen and unseen goodness, ये जो सहज स्वीकृति है आदमी में ये भी है ही, तो इसके आधार पर कुछ हो सकता है। तो ये उन्होंने बहुत अच्छे से इसको अपने वर्ड्स में रखा है।
दिस इंडिकेट्स दैट द विजिबल डिस्ट्रक्टिव पावर द वीकर देन द कंस्ट्रक्टिव स्ट्रेंथ, इसको उन्होंने कुशल शक्ति नाम दिया है. ह्यूमन बीइंग हैज अ चॉइस टू बी विद द कंस्ट्रक्टिव स्ट्रेंथ और डिस्ट्रक्टिव पावर्स. तो अपनी सहज स्वीकृति के आधार पर जीना हो सकता है या फिर अपने मान्यता के आधार पर बिना जाने मान्यता के आधार. तो ये एक तरह से उन्होंने अपने बात को रखा. Through universal human values, we can explore the essence of this existence in a simplified manner. इसको सिंपल तरीके से तो हम समझ सकते हैं universal human values के माध्यम से. Attending a workshop is not enough. One has to delve deeper, exploring each and every aspect of this. उनके शब्द हैं कि मनन चिंतन निधि ध्यास, ये सब हमको करना होगा तब भी जा करके कुछ गति होगी. जो मॉर्निंग सेशन में किया करने का वो प्रयास किया जा रहा तो वो उन्होंने वो कहा. माई सजेशन इज टू स्विफ्टली टेक यूर टू द मासेस स्टार्टिंग इट एज अर्ली एज पॉसिबल इन प्राइमरी एंड प्री प्राइमरी एजुकेशन. तो ये इनकी उसमें था. भूटान के जो वरिष्ठ टीचर्स हैं जो कि उनके मॉन्क बॉडी से जुड़े हुए हैं, तो उन लोग का भी इस तरह का था कि बहुत सारे प्रॉब्लम है उसको किस तरह से डील किया जाए. तो वो भी अच्छा रखा है. बलबीर सिंह सिंचे वाला भी हैं, पंजाब के एक संत हैं और उन्होंने भी पुराण का जो नेशनल एक वो हुआ था नेशनल सेमिनार, उसमें आए थे वो और उन्होंने इस बात को रखा कि बिना अपनी जो वैल्यूज है उसके बिना जो शिक्षा है वो अधूरी है. तो इसको हम लोग को करना होगा. बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेज हुई जो हमने जिक्र किया था 2012 से शुरू होकर के 2013 2014 और धीरे धीरे करके बहुत सारी और जो अपने यूनिवर्सिटीज हैं वो जुड़ती गई जुड़ती गई जुड़ती गई. अभी भी भूटान मतलब रॉयल यूनिवर्सिटी भूटान में थर्ड कॉन्फ्रेंस फोर्थ कॉन्फ्रेंसेस करके जो भूटान में पहली कॉन्फ्रेंस हुई 2015 में. भूटान की जो कॉन्फ्रेंसेज रही हैं उसमें क्वीन मदर हैं, चार क्वीन मदर हैं इनकी. तो वो उनमें से एक यहाँ पे आई और एक और कॉन्फ्रेंस हुआ था बाद में उसमें भी आई. और इन्होंने ये जो बात रखी है कि वी मस्ट डू एवरीथिंग वी कैन टू प्रोपोगेट यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज इन हायर एजुकेशन, ये बात इन्होंने रखी. फिर आत्मीय में 2016 में हुई कॉन्फ्रेंस, फिर 2017 में यहाँ पर हुई IIT कानपुर में, उसमें यहाँ पे इनके चीफ मिनिस्टर सॉरी वो गवर्नर आए थे यहाँ पर. गवर्नर 2017 की कॉन्फ्रेंस में कुछ पिक्चर है बाननी को भी देख सकते हैं, बहुत सारे वॉलंटियर्स को भी देख सकते हैं पार्टिसिपेंट्स एंड वॉलंटियर्स. तो ये बात निकल गया है कि हम ऐसी स्थिति में पहुंच गए जहाँ पर इसको शिक्षा के माध्यम से सिंपल वे में सब तक बच्चों तक पहुंचाया जा सकता है, इसका इफेक्ट हो रहा है. तो इसकी संभावना बहुत दिख रही है और इतना काम हो चुका है तो हम लोग इसको कर सकते हैं, इसको करना चाहिए. ये बात जो है निकल गया है. फर्स्ट कंसिस्टेंट एंड फोकस्ड एफर्ट इज रिक्वायर्ड, वो तो सभी लोग को दिखता ही होगा कि इस एफर्ट को कंसिस्टेंटली अपने में और बाहर भी करना. फिर ये वर्कशॉप है कोई मदद को जब समझ पता लगा कि इस तरह का काम हो रहा है जो वहाँ के यूथ डेवलपमेंट फंड की हेड है, तो उनको जब पता लगा तो उन्होंने फिर अपने सभी लोगों के लिए जो मुख्य लोग थे वहाँ के
उनके लिए एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करने का प्रस्ताव रखा था। माउंट बॉडी से कुछ लोग आए हैं, गवर्नमेंट से कुछ लोग आए हैं, पुलिस से बहुत सारे लोग आए थे, इस तरह से लोग आए थे। ये वहाँ के एक इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चर के जो है वो है डायरेक्टर। अभी वहाँ की जो यूनिवर्सिटी है उसके प्रो वाइस चांसलर की ये कोई मदद नहीं, और बाकी लोग हैं प्रिंसेसेस आई थी, जो लोग जो उनकी बेटियाँ हैं वो भी आई थी। पूरे 3 दिन लोग पूरा टाइम पे आते थे, टाइम के पहले आते थे, टाइम पूरा होने के बाद में सबसे बात करके फिर जाते थे। दो हजार 2018 में फिर ये जो कॉन्फ्रेंस है ये फिर से हुआ था, उसमें ये लोग फिर आए और कोई मदर के साथ में बहुत सारे जो येलो स्कार्फ में ये मिनिस्टर है और जो रेड स्कार्फ में ये सब या तो धार्मिक लोग हैं या फिर रेड स्कार्फ उनको मिलता है जो पद्म भूषण या इस तरह की कोई उनको वो मिलता है। तो रेड स्कार्फ वाले लोग हैं, वाइट स्कार्फ में सभी अन्य लोग हैं भूटान गए थे। और उन्होंने ये जो बात रखी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है जो कि उन्होंने अपनी स्वेच्छा से अपने उद्बोधन में रखी। मैंने खुद इसको समझने का प्रयास किया और मुझे लगता है कि ये जो बात है ये हमारे जो चाहना है उससे बहुत मैच करता है। मतलब हर एक लोग अपने अपने शब्दों में बताते हैं कि हमारी क्या चाहना है, तो हमारी जो चाहना है वो लोग इसको बोधिसत्व कहते हैं, तो वैसा हमारी चाहना है और ये बिल्कुल मैच करता है उसके साथ। और जो हमारे देश की गोल है क्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, सिर्फ आर्थिक हो जाए, ग्रोथ रेट हो जाए और वो हमारा एक लक्ष्य तो जरूर है लेकिन वो सेकेंडरी लक्ष्य है, वो प्राइमरी लक्ष्य नहीं। और फिर इन्होंने ये कहा कि पीओसी का जो कार्यक्रम है इसको सभी जगह होना आवश्यक है। फिर एक कॉन्फ्रेंस जो है वो बनारस में हुआ, आईटी बनारस में, इतने सारे लोग आए थे, ये सब फोटोज हैं उसकी कुछ। और उन्होंने फिर इसमें भी एक मैसेज अपना भेजा, तो ये जुड़ गई हैं और इनके जो संस्था है वो अभी भी जुड़ी हुई है। भूटान से बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट भी किए हैं इसमें वर्कशॉप, तो इन्होंने हम सबको प्रेजेंटेशन भेज देंगे ताकि आप लोग इसको डिटेल में पढ़ सकें। अब AICTE ने जितना काम किया है उसके अंदर से आप लोग जुड़े हैं, तो उसमें 2017 में जो शुरू किया गया और जो अभी तक चल रहा है उसके अंदर एक तरह से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखता है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और फिर अभी एक तरह से स्टडी ग्रोथ दिखता है। तो वो काम जो है वो AICTE ने बहुत फोकस ढंग से वैल्यूज का और जो भारतीय परंपरा का जो इंडियन नॉलेज सिस्टम है ये दो काम पर जोड़ा है टेक्निकल एजुकेशन वैल्यूज का जो काम है उसको फोकस में करके कर रहे हैं, लेकिन जो परंपरा का काम है इसको भी एक तरह से सभी को सोचना चाहिए करना चाहिए, तो वो काम भी जो है वो एक पैरेलल काम है। तो उन लोगों ने मॉडल करिकुलम को तैयार किया, उसमें UHP 1 UHP 2 को रखा गया, अप्रूवल प्रोसेस हैंडबुक में सबसे पूछते हैं कि भी आपके कॉलेज में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो वो सब उन्होंने पॉलिसी लेवल पे किया। फिर जब ये 75th वर्कशॉप हो रहा था तो जो एक डॉक्यूमेंट है ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट पूरा जो भी दृष्टि है वो क्या है उसके लिए क्या कार्यक्रम है वो रिलीज किया गया। इसको अगर हम अपने शिक्षा में एक समग्र दृष्टि के साथ में काम करते हैं तो राइट साइड में जो लिखा है वो हो पाता है।
और अगर हम समुद्र दृष्टि के बिना चीजों को जोड़ते जाते हैं तो उसको पता ही है क्या इट इज नॉट मोर होलिस्टिक एजुकेशन के साथ में अगर हम लोग काम करेंगे होलिस्टिक व्यू के साथ में तभी एक तरह से दिशा पकड़े तो उसको इसमें लिखा गया और मुख्य लोगों का बहुत सारा व्यू इसमें आया है ये जो लेटेस्ट डॉक्यूमेंट है अब जो रिलीज हो गया है तो इसमें जो शिक्षा मंत्री है उन्होंने लिखा फिर UGC के चेयरमैन उन्होंने भी लिखा और जो स्कूल एजुकेशन के हेड हैं उन्होंने भी लिखा कि इस काम को बहुत तीव्रता से करने की आवश्यकता है सभी जगह करने की आवश्यकता AICT के माध्यम से बहुत सारा ऑनलाइन का और फेस टू फेस का इसमें फेस टू फेस का पार्ट नहीं लिखा हुआ कोई इसमें ऑनलाइन का जो डेटा है उनका भी सारा डेटा दिखाई देता है करीब 1.5 लाख अब तो एक जून तक का ही है फिर अभी तक अगर देखेंगे तो राठौर जी आपको बता पाएंगे पूरा उन्होंने इसको पूरा डेवलप किया तो ये अच्छी बात यह कि करीब करीब 20% जो अपने कॉलेज के टीचर्स हैं नंबर्स में हर एक कॉलेज में ऐसा हो ये पता नहीं पर पूरे अगर पूरे नंबर्स को देखेंगे तो करीब करीब 20% और उसमें से कई लोग एक से अधिक बार आए हैं तो उसमें से मे बी 15% होगा लेकिन कम से कम 15% जो टीचर्स हैं उनको कोई ना कोई व्यू मिला है इसके पूरे वर्कशॉप के थ्रू अभी जैसे कई सारे जो स्टूडेंट्स हैं भानु जी बता पाएंगे महाराणा प्रताप में जो स्टूडेंट्स हैं जब वो कोर्स कर रहे होते हैं तो जितना ध्यान देते हैं उतना देते हैं लेकिन कोर्स करने के बाद में जब वो जॉब पे जाते हैं या उनका विवाह होता है तब फिर वापस फोन करते हैं कि आप क्या कर रहे थे एक बार बात अंदर चली तो उनके कहीं ना कहीं तो याद ही रहती है उसके अंदर फिर बाद में रोल करते हैं और ये जो पूरी वर्कशॉप है इसके अंदर बहुत रिगरस काम हुआ है आप लोग बहुत सारे वॉलंटियर्स तो हैं ये ऑनलाइन वर्कशॉप के कितने वॉलंटियर होंगे कौन कौन वॉलंटियर कर रहे हैं उसमें कई सारे वॉलंटियर्स हैं बहुत अच्छी बात है तो आप लोग को तो डायरेक्ट आइडिया भी है जिन्होंने अटेंड किया उन्होंने उनको भी आइडिया होगा कि भाई ये सिर्फ रजिस्टर करने से काम नहीं चलता है जब उन्होंने शुरू किया था इसको 2020 में इसको शुरू किया था जब सरस्वती बुद्धि जी का कॉल आया था गणेश जी को कि या रजनी से बुलाया था कॉल इसको जो है FDP जो है उसको ऑनलाइन कर दीजिए तो हम लोग ने कहा कि पहले तो आप लोग अटेंड कर तो उन्होंने कहा जरूर और कब से स्टार्ट कर सकते हैं मेरा कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं और उन्होंने कहा ठीक है कल से स्टार्ट करो इतनी उत्सुकता के साथ में इतने कमिटमेंट के साथ में ये शुरू हो पाया और धीरे धीरे करके बहुत सारी चीज़ें जुड़ती गई और आज के दिन अगर देखें तो कम से कम 20 लोग जुड़े रहते हैं वर्कशॉप में जो कि इसको कंडक्ट कर रहे हैं या वॉलंटियर कर रहे हैं इसको संचालित करने के लिए और पहले तो उन्होंने करीब 100 से शुरू किया था फिर 200 हो गए फिर उससे करते करते 1000 तक पहुंच गया और ऐसा सोच रहे हैं कि 10000 तक इसको कर ही सकते हैं क्योंकि मेथड जो है वो हो सकता है इसको कर सकते हैं बहुत सारा यूजर्स के स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे रखे हुए हैं इसका हम उसको व्याख्या नहीं करेंगे लेकिन आप देख सकते हैं कि कितनी सारी मीटिंग हुई है आप लोगों की सभी लोगों की और इतने सारे वेबिनार के इंस्टेंसेस हैं तो एक अगर हम लोग वेबिनार देखें 5 दिन का वेबिनार उसमें 3 या 4 इंस्टेंसेस होते हैं वेबिनार के तो इसको अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो ये करीब 100 आएगा 100 वेबिनार हो चुके हैं एक साल ये October 21 टू September 30, 2022 का दिन और ये बहुत सारा स्टैटिस्टिक्स है इसमें हम चेक करेंगे
और इसमें ये हम लोग ने इसके लिए बनाया था कि कितना कंट्रीब्यूशन हो रहा है उसका क्या एक तरह से एस्टीमेट है। अगर हमको शिक्षा को सब तक पहुंचाना है तो उसका एक तरह से सबको उपलब्ध होना पड़ेगा। और आप लोग जो तरह से इसको वॉलंटियर के रूप में कर पा रहे हैं वो एक बहुत ही बड़ी बात है। और जो ऑर्गेनाइजेशन इसको एक तरह से प्रोत्साहन दे रही है, एएनसीपी जैसी ऑर्गेनाइजेशन, उनको भी बहुत थोड़ा सा कंट्रीब्यूट तो करना पड़ता है आर्थिक रूप में, अदरवाइज बाकी जो कंट्रीब्यूशन है वो वॉलंटियर्स के रूप में सभी लोग कर रहे हैं। फैसिलिटी डेवलपमेंट जो है बहुत क्रिटिकल काम है, क्रूशियल काम है, तो उसमें शुरुआत तो एक तरह से हम लोग सोच रहे हैं कि पहले ऑनलाइन में कुछ टाइम स्पेंड कर लें, उसके बाद में फिर फेस टू फेस में कुछ टाइम स्पेंड कर, फिर संस्थान में आकर और टाइम स्पेंड कर सकते हैं जिनको मन बनता है। तो इस तरह से ये सब काम हो जाए। स्टूडेंट्स के साथ में डायरेक्ट जो काम है वो AICT के मैंडेट में तो नहीं है, वो टीचर्स के मैंडेट में, लेकिन अभी इस काम को इसलिए कर रहे हैं ताकि हम लोग सबका थोड़ा प्रैक्टिस हो उसमें, तो उतना उसके हिसाब से स्टूडेंट्स का वर्कशॉप जो है उसको किया जा रहा है। स्टूडेंट इंटरेक्शन प्रोग्राम का डिटेल तो आप सबको पता ही होगा, जो स्टूडेंट इंटरेक्शन प्रोग्राम होता उसमें भी बहुत अच्छी बातें निकल के आई थी स्टूडेंट्स ने। हमारी शिक्षा जो है सिर्फ अपने लिए नहीं हो, सभी के शुभ के अर्थ में, हेल्दी हो और के अर्थ में, इस तरह की बातें जो निकल के आई थी। ग्रेजुएट शुड बी एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ एजुकेशन, केस स्टडीज एंड आईकेयर शुड बी एसेंशियल। एक बच्चे ने तो ये कहा कि हम केरला के हैं और केरला में इतने सारे संत रहे हैं, इतने अच्छे लोग रहे हैं, हमको क्यों नहीं पता था, हमको क्यों नहीं बताया गया। तो इस तरह से ये सब कर सकते हैं, हम भी योगदान देना चाहते ही हैं। तो ईच वन टीच वन, जैसे भाई कई सारे इंस्टीट्यूशन अभी कर रहे हैं, रियाल्टी कॉलेज है जैसे पंजाब से, तो उसमें बहुत थोड़े से टीचर, 2000 बच्चे हैं और 4 टीचर से करके, तो इस तरह से ये सब बातें निकल के आए और ये सब फीडबैक को हम अभी प्रोवाइड करेंगे। एक इम्पोर्टेंट काम ये हुआ है कि माइनर डिग्री UHV में और ITS ये AICT के द्वारा करने का मन बना है। वैसे की जो माइनर डिग्री है वो तो फाइनलाइज हो गई है, उसको अब धीरे धीरे करके फाइनलाइज किया जा रहा है। UHV3 का कोर्स कुमार भैया ने इसको पूरा वो किया है, रिकॉर्ड भी किया है, उपलब्ध भी है। UHV4 का जो कोर्स है वो गोपाल बाबू ने पूरा उसको वो किया है। अलग अलग दर्शनों में जो वैल्यूज का जो क्या बताया उसने, वो AKTU में पहले से चल रहा था, तो उसके भी कोर्सेज AKTU की साइट पे ऑलरेडी अवेलेबल है, जो सिंगल स्टार में वो सब अवेलेबल है। और ये जो बाकी कोर्सेज हैं बने हैं या बन रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल जो फाउंडेशन कोर्स इन होलिस्टिक हेल्थ, इसको शर्मिला जी ने और सुंदरदास जी ने, अखिलेश शुक्ला जी ने, इन्होंने इसको बनाया है और इसकी किताब भी तैयार हो रही है। तो इस तरह से माइनर डिग्री का मेटीरियल अभी बहुत सारा या तो तैयार हो गया है या हो रहा है। तो इस माइनर डिग्री के चलते आप लोग सबको आमंत्रण है कि आप लोग पूरा माइनर डिग्री के कोर्सेज को कर लें, तो आपके लिए भी
एक तरह से बहुत वाइड व्यू बन गया है। उसी तरह से आईकेएस का जो माइनर डिग्री है उसका अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है AICTE की तरफ से, तो कैसे होता है उसके अंदर भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, लेकिन ये जो बुक है ये रिलीज हो गई है तो इसको आप लोग देख सकते हैं। इसमें बहुत सारा डिटेल दिया हुआ है आपने पूरी संस्कृति का, इतने सारे कोर्सेज हैं वो माइनर डिग्री के कोर्सेज होने। इर्मा एक इम्पैक्ट स्टडी को करना शुरू किए हैं, क्योंकि ये पूरे अभियान का ये पूरे जो एफर्ट है इसका क्या आउटकम क्या दिखाई देगा, और मैं अभिनंदन है यहाँ पे आए हैं मोक्षा का मोक्षा ये इस काम को बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं, और इसके इसके बाहर भी बहुत सारा काम करने का सोच रहे हैं। तो जब आपको इंटरेक्ट करना हो जरूर इनके साथ में इंटरेक्ट करने इनकी जब स्टडी थोड़ी पुश हो जाएगी तो हम लोग को जो हम लोग प्री वर्कशॉप सर्वेज और पोस्ट वर्कशॉप करते हैं तो ये उसको करके हम लोग को देंगे तो उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जो इंस्टीट्यूशंस UHV के काम को कर रहे हैं तो गौर सर का बहुत मन था कि भी इनको रिकग्नाइज करें, अनफॉर्चुनेटली गौर सर गुजर गए हैं, बट हम लोग उनके जो मनसा थी उसको लेके जा रहे हैं आगे। तो AICTE के द्वारा एक रिकग्निशन या तो अवार्ड होगा या कुछ होगा इस तरह का जो भी कर सके उसको करेंगे, लेकिन आइडेंटिफाई करके अगर हम लोग कर पाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आशय ये है कि देश भर में करीब कम से कम 100 सेंटर जैसे उभर के आए जो इस काम को बहुत तीव्रता के साथ में अच्छे से कर रहे हैं। तो इसमें अभी कुछ कुछ संस्थानों ने बहुत सारा अच्छा काम किया, फॉर एग्जाम्पल AKG गाजियाबाद कोई है यहाँ पे AKG से अभी यहाँ वो भी काम कर रहे हैं गोपाल बाबू पर अच्छे से उन्होंने इस काम को किया, तो ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं। उसके साथ जो एक्सटेंशन का काम है कि भी हम सिर्फ अपनी शिक्षा में ही नहीं करेंगे लेकिन इसके बाहर भी जो इनफॉर्मल एजुकेशन है या देश के बाहर जो एजुकेशन है उसमें भी कुछ योगदान देंगे, तो उसमें बहुत सारा काम हुआ है। भानु जी उसको बता पाएंगे कि इसमें बहुत सारा काम जो हुआ है उसके बारे में, जो पहली वर्कशॉप भूटान में हुई थी उसको भानु जी ने कंडक्ट किया, तो ये बता पाएंगे किस तरह से ये सब काम हो रहा है। और अपने ऑनलाइन वर्कशॉप में भी भूटान के करीब 30 पार्टिसिपेंट्स आए हैं जुड़े हैं उसमें, पर मेन काम जो है ये मध्य प्रदेश में हो रहा है, क्योंकि जो राज्य अलग संस्थान है ये अपने इनके करीब 62-63 हज़ार हैं, कितने मान इस तरह से 62-63 हज़ार वॉलंटियर्स हैं पूरे प्रांत पर, सिर्फ एक प्रांत में, तो वो लोग इस काम को अब जोड़ रहे हैं अपने काम में। और ये जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है उन लोगों ने ये मन बनाया कि अपने 9th-12th क्लासेस में इसको हम इंक्लूड करेंगे, और राज्य अनंत संस्थान इस काम को करेगा इनके विभाग के साथ में। तो ये देख सकते हैं कि इन्होंने 275 CM नाइट स्कूल्स को आइडेंटिफाई किया है और करीब 400 को आइडेंटिफाई करेंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और उनके जो प्रिंसिपल हैं उन्होंने ये निर्णय लिया है कि हम इसको खुद ही करेंगे बच्चों के साथ वर्कशॉप में इसको खुद करेंगे। अगर हम लोग रिसोर्स पर्सन का देखें जो कि क्रूशियल काम है, उसमें शुरू में तो बहुत थोड़े लोग थे, अब धीरे धीरे करके आप सभी लोग इसके अंदर या तो ऑलरेडी रिसोर्स पर्सन का काम कर रहे हैं या फिर उसकी तैयारी कर रहे हैं।
जैसे अभी अगर देखें तो 14 रिसोर्स फैकल्टी निकल रही है स्टूडेंट को अपने आप को डेवलप करने की बहुत अच्छी गति में। रिसोर्स मटीरियल बहुत सारी किताबें जो है हम लोग तैयार की गई हैं और यहाँ 3 किताबें हमने रखी हैं लेकिन और बहुत सारी किताबें यूनिवर्सिटी जो मध्यम दर्शन की किताब है उसको रखा है इसमें वो भी है। हिंदी की किताब है यूनिवर्सिटी 2 की यूनिवर्सिटी 3 की किताब है और ये होलिस्टिक हेल्थ की किताब है ये बस प्रिंटिंग में जा रही है मोती जी बता पाएंगे कि कहाँ तक पहुँची है। और एक बहुत अच्छी एक तरह से ट्रेंड है कि अभी ऑल संस्थाएं जो है अपनी सोताई जुड़ रही है और उसमें यूजीसी के जो चेयरमैन हैं यूजीसी के अभी के चेयरमैन एआईसीटी के अभी के वाइस चेयरमैन हैं और ये चारण जी मेरे लिए मन बनाया कि हम साथ में मिलके काम कब करेंगे इस तरह से बहुत सारा काम जो है वो इस दृष्टि से हो रहा है कि जहाँ पर भी हम खड़े हैं वहाँ तक अगर हम अपनी एजुकेशन को होलिस्टिक और वैल्यू बेस्ड बना पाएंगे तो फिर एक सही दिशा में अपनी दिशा ठीक हो सकती है दिशा नई नई परिवर्तन हो सकती है। और इसका जो पूरा डिटेलिंग है वो इस किताब में है आपके पास में सॉफ्ट कॉपी होगी या इसी टू की साइड से वो उपलब्ध थी तो इतना हमको इसमें से शेयर करना है।